नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया, क्या हाल चाल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य काल को समझा और उसकी एक प्रारंभिक रूपरेखा हम लोगों ने जानी। तो उसमें आपने जो चैप्टराइजेशन साइड में मैंने यहाँ पर कर रखा था, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि दूसरे चैप्टर में हम लोग अशोक के अभिलेख उसमें मैंने लिखा था, तो वो आप थोड़ा सा उसको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि उसी ढंग से हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चलिए, माहौल इस समय यूपीएससी का भी है और यूपीपीएससी की भी चर्चाएं हैं। चलिए, हम लोग धीरे धीरे चलते जाते हैं और जैसे ही कोई यूपी कमीशन की बड़ी न्यूज़ आती है उस हिसाब से फिर विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। खैर, आज के वीडियो के पर्पज़ में अगर हम लोग बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है अशोक के अभिलेख। तो बहुत तसल्ली से पहले तो ये समझ लीजिए कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, अशोक के अभिलेखों को। पहला पार्ट क्या है? शिलालेख। दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। तो पहले आज समझ लीजिए कि हम लोग आज केवल पढ़ेंगे कितना। तो उसमें मुद्दा ये है कि चूंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और छूटनी भी नहीं चाहिए, तो अशोक के जो अभिलेख हैं उसका जो पहला पोर्शन है ये हमने ए बी सी लिख दिया है। तो ए पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है पहली चीज। तो ये जो ए पोर्शन है, तो ए पोर्शन जो शिलालेख है वो दो पार्ट में डिवाइड है, दीर्घ और लघु में, ठीक है। तो यहाँ पर दीर्घ का विवरण दिया हुआ है, ये पूरा विवरण जो आप देख रहे हैं ये दीर्घ शिलालेखों का विवरण है, अभी चर्चा करेंगे। और उसके बाद लघु शिलालेख है, तो लघु शिलालेखों का एक छोटा सा विवरण जो आपके काम का बेहद इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताऊँगा। अभी रिसेंटली यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान देके हम लोग को चलनी है। तो आज हम लोग केवल इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं मुद्दे पे थोड़ा सा। देखिए, हुआ क्या कि हम प्राचीन भारत का इतिहास जब लिखते हैं तो हमें आवश्यकता किस चीज़ की पड़ती है? सबसे इम्पोर्टेंट हमें ज़रूरत होती है लिटरेचर की। अगर लिटरेचर उपलब्ध ना हो तो फिर हम जाते हैं पुरातत्व पे। तो जब हम पुरातत्व पे जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल चाहे साइट्स पे जाएं और चाहे उसके हमें वस्तुएं उपलब्ध हों जैसे शिलालेख हम लोगों को मिले हुए हैं, तो पुरातत्व में शिलालेख एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं डी.आर. भंडारकर महोदय। तो डी.आर. भंडारकर महोदय ने अशोक का पूरा इतिहास उसके शिलालेखों के आधार पर ही लिखा है, सबसे बड़ी चीज़। तो कहने का आशय कि अशोक के जो शिलालेख हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख सब मान के चलिए, तो एक शब्द में शिलालेख बोल दिया जाता है, तो अशोक के जो शिलालेख हैं उससे पूरी जानकारियाँ उपलब्ध हम लोगों को हो जाती हैं। तो देखिए, एक इतिहासकार हैं जिन्होंने पूरा का पूरा इतिहास ही अशोक के अभिलेखों पर लिख डाला, उनका नाम है डी.आर. भंडारकर। तो ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं, डी.आर. भंडारकर अगर दिख रहा हो तो नोट कर लीजिएगा, डी.आर. भंडारकर। उसके बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे ही शिलालेख शब्द आता है तो वैसे ही एक शब्द आपके दिमाग में आने लगता है, 1837 जेम्स प्रिंसेप आया होगा दिमाग में, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप और 1837 के बीच रिलेशन क्या है उसको समझ लीजिए कि अशोक के जब अभिलेख हम लोगों को मिले, ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा प्राकृत, ब्रह्मी नहीं। दिमाग में यह आया होगा,
है ना। तो भाषा क्या है? प्राकृत। ब्रह्मी क्या है? लिपि। तो अशोक के अभिलेखों में भाषा कौन सी प्रयुक्त है? प्राकृत। अरे क्यों प्रयुक्त नहीं होगी? प्राकृत की जगह संस्कृत अगर प्रयुक्त होती तो वो तो आम जनता को समझाना चाहता है ना, तो आम जनता तो लोकल लैंग्वेज ही पढ़ पाएगी। तो सीधी सी बात है कि अशोक के अभिलेख जो विभिन्न स्थानों से हमें मिले हुए हैं, तो उन स्थानों पर आम जन उनको आसानी से पढ़ ले कि राजा ने लिखा क्या है और उससे सीख ले। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसी पे कि उसने क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। तो भाषा क्या है? प्राकृत है। और अशोक के अभिलेख में लिपि कौन कौन सी यूज है? तो उसमें कौन कौन सी लिपियां यूज है? ब्रह्मी लिपि का यूज हुआ है, खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल हुआ है, अरमाइक लिपि का इस्तेमाल हुआ है और ग्रीक लिपि का इस्तेमाल हुआ है। तो चार लिपियों का इस्तेमाल हुआ है और भाषा के रूप में प्राकृत का इस्तेमाल हुआ है। ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि 1837 और जेम्स प्रिंसेप में कनेक्शन क्या है। तो हुआ क्या कि ये जो लिपियां थी, तो अशोक के अभिलेख जब खोजे गए तो जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति था जिसने 1837 में जो दिल्ली टोपरा है, आपने पढ़ा होगा दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा जो उसका शिलालेख मिला है अशोक का, उसको पढ़ने में सहायता उसको मिल गई थी और 1837 में उसने जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा को पढ़ लिया। अब यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कहाँ लिख दें, चलिए अगर आपसे ये तो हो गया कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया, ठीक है, तो किसने पढ़ा सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप ने। किस अभिलेख को पढ़ा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली टोपरा। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, दिल्ली टोपरा जो है वो हरियाणा में, हरियाणा का एक गांव है टोपरा, तो वहां पर वो अभिलेख था। फिरोज तुगलक उस टोपरा गांव से अभिलेख उठाकर दिल्ली ले आया था, इसलिए उस अभिलेख का नाम हो गया दिल्ली टोपरा। ओरिजिनल प्लेस टोपरा है जहां पर अशोक रख गया था, लेकिन फिरोज तुगलक उसको उठाकर दिल्ली ले आया था। तो ये तो हो गई अशोक के अभिलेख को पढ़ने की बात, कब की बात हो गई? 1837 की, ठीक है। उसके बाद एक चीज याद रखिए, 1750, ठीक है, 1750 में क्या हुआ है? 1750 में जो टी फेन थेलर ने दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि 1750 अगर आपसे कहा जाए कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने खोजा, तो आपका आंसर क्या आएगा? टी फेन थेलर, ना कि जेम्स प्रिंसेप। ध्यान दीजिए, क्योंकि आप यहां क्या लिख रहे हैं, 1750, आज से 250 साल पहले लगभग। तो टी फेन थेलर पहला व्यक्ति था जिसने अशोक का अभिलेख खोजा। अब प्रश्न उठता है कि इसने कौन सा अभिलेख खोजा था? तो दिल्ली टोपरा के साथ एक और अभिलेख है, बिल्कुल सही, दिल्ली मेरठ। तो इसने अभिलेख कौन सा खोजा था? दिल्ली मेरठ। तो दो अभिलेख फिरोज तुगलक दिल्ली ले आया था, इसीलिए ये नाम कंफ्यूजिंग है, परेशान मत होइए और इस समय बहुत केवल समझने का प्रयास करिए अभी, तो ये सब आएगा अभी, ठीक है, निश्चिंत रहिए। तो हमें क्या समझ में आया इतनी देर में कि 1750 में अशोक के अभिलेखों को किसने सर्वप्रथम खोजा? टी फेन थेलर ने, केवल एक खोजा है, कौन सा? दिल्ली मेरठ। हालांकि ये शुरुआत हो गई है खोजने की, ये चीज समझ में आ गई। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो पढ़ने वाला आपके सामने ये लिखा हुआ है कि जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को 1837 में पढ़ा था। इतनी चीज क्लियर हो गई, एक ने पढ़ा है, एक ने खोजा है, क्लियर। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो जो शिलालेख हैं इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दीर्घ और लघु। और जो दीर्घ शिलालेख हैं वो थोड़ा सा यहां से ध्यान रखिएगा,
कि आठ स्थानों से मिले, ये लिखा है, ये आठ स्थान लिखे हैं, जो दीर्घ शिलालेख हैं वो आठ स्थानों से मिले हैं और इनमें कितने लेख लिखे हुए हैं, 14 लेख लिखे हुए हैं इनमें। तो ध्यान रखिएगा कि आठ स्थानों से प्राप्त हैं और प्रत्येक में कितने लेख लिखे हुए हैं, 14 लेख लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर एक में। अगर हम शहबाजगढ़ी की बात करें तो उसमें 14 के 14 लिखे हुए हैं, मानसेरा की बात करें तो उसमें भी 14 लिखे हुए हैं। तो कहने का आशय आठ स्थानों से 14 लेख हमें प्राप्त हैं, हर एक में 14 लेख लिखे हुए हैं। एक अपवाद है, उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं, इतनी चीज समझ में आ गई, तो हम लोग शिलालेखों का, दीर्घ शिलालेखों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली और चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि दीर्घ शिलालेख जो है उसमें वर्णन किस चीज का है, तो प्रशासन और धर्म से संबंधित बातें कही गई, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटीज, जैसे रज्जुक है, धम्म महामात्र है, इन सब प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख अशोक करेगा और धम्म की बातें करेगा। धम्म का मतलब पाली शब्द है बौद्धों का और धम्म का मतलब होता है धर्म, ठीक है। तो धम्म की बातें करेगा, वही बुद्ध के धम्म की। तो यहां पर आपको पहले पॉइंट में क्या याद देना है कि प्रशासन और धर्म से संबंधित बातें बताई गई हैं, किसमें, दीर्घ शिलालेख में, पहली पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, मैंने बोला आठ स्थानों से मिले, तो कौन कौन से आठ स्थान हैं, शहबाजगढ़ी कहाँ है, पेशावर में, पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में, इन सबको नोट कर लीजिएगा। मानसेरा कहाँ है, हजारा में, हजारा कहाँ है, पाकिस्तान में। कालसी कहाँ है, देहरादून में, देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में। गिरनार कहाँ है, जूनागढ़ में, जूनागढ़ कहाँ, गिरनार की पहाड़ी, गुजरात। धौली कहाँ है, पुरी में, पुरी मतलब उड़ीसा। जौगढ़ कहाँ है, गंजाम, तो गंजाम जिला कहाँ है, उड़ीसा। एर गुडी कहाँ पर है, कर्नूल कहाँ है, आंध्र प्रदेश। सोपारा कहाँ मिला है, ठाणे में, ठाणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो देखिए, बिल्कुल समय बर्बाद ना करिए, इसको आप लिख लीजिएगा। आइए मुद्दे की चर्चा करते हैं। मुद्दा यह है कि अब देखिए, शिलालेखों पर विवरण, अर्थात दीर्घ शिलालेखों पर विवरण, हम लोग किसकी चर्चा करने जा रहे हैं, दीर्घ शिलालेखों पर विवरण। लघु की बात अभी नहीं कर रहे हैं, मैंने बोल दिया लघु, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दीर्घ कितने हैं, बोल दिया मैंने 14 है, तो 14 है, उनको देखिए एग्जाम में कितनी बार आया है, आप खुद पढ़ते समय ही आपको समझ में आ जाएगा। पहले पॉइंट में अशोक ने क्या लिखा है कि जीव हत्या निषेध, जीवों की हत्या बंद। अब उसमें वो कहता क्या है कि दो जीव मारे जाएंगे, ठीक है, एक हिरण है और एक कोई और जीव है जिसको वो मारने की बात करता है, और फिर कहता है कि भविष्य में वो भी नहीं मारे जाएंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले में वो क्या कह रहा है, जीव हत्या निषेध, जीवों की हत्या पर पाबंदी, कई बार आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या आएगा, प्रथम शिलालेख में क्या कहा है उसने, जीव हत्या निषेध। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में वो चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र और पड़ोसी राज्यों की चर्चा करता है। तो दूसरे शिलालेख में वो क्या करता है कि चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र और पड़ोसी राज्यों की, जो यवन राज्य हैं, उनकी बात या उनका उल्लेख करता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है कि प्रति पांचवें वर्ष राज्य का दौरा, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद राज्य का दौरा किया जाएगा,
और इसी में अशोक क्या कहता है, अल्प व्यय और अल्प संचय की बात अशोक करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि अशोक किस शिलालेख में अल्प व्यय और अल्प संचय की बात करता है। उसके बाद चौथा है, चौथे में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात करता है। भेरी घोष का मतलब क्या हुआ, कहते हैं ना कि रणभेरी, रणभेरी वो एक प्रकार का मतलब म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट होता है, कूं करके बजाते हैं, तो उसी के बाद युद्ध शुरू हो जाता है। तो भेरी घोष, भेरी घोष खत्म, युद्ध नहीं होगा, अब क्या होगा, धम्म घोष, धम्म की उद्घोषणा होगी, सभी ओर चारों ओर धम्म को फैला दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चौथे शिलालेख में अशोक क्या कह रहा है, भेरी घोष नहीं, अब होगा धम्म घोष, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, पांचवा, पांचवे में वो ये कहता है कि 14वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति करी। अभी क्या बोला था हमने, प्रशासन की बात उसने करी हुई है, तो धम्म महामात्र एक नवीन अधिकारी है, ये अधिकारी हुआ नहीं करता था। अशोक ने इसको कब बनाया, 14वें वर्ष उसने धम्म महामात्र की नियुक्ति कर दी और इसको काम दे दिया कि जब दौरा होगा तो धम्म महामात्र जाएगा और वहां से जनता को, जनता से मिलेगा और जनता को धम्म के बारे में शिक्षित करेगा, उन्हें धम्म अपनाने पर सीख देगा कि धम्म अपनाओ, क्यों अपनाओ उसके बारे में बताएगा। तो हर जगह तो अशोक जा नहीं सकता है, तो धम्म महामात्र की उसने नियुक्ति कर दी। किसमें, पांचवें में। छठे में क्या है, प्रत्येक समय में उपलब्ध हूं। छठे शिलालेख में अभिषेक अशोक कहता है कि मैं प्रत्येक समय उपलब्ध हूं, चाहे मैं खाना खा रहा हूं, चाहे मैं सो रहा हूं, चाहे मैं टहल रहा हूं आराम से, लेकिन अगर प्रजा को मेरी आवश्यकता है तो मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं प्रजा के लिए तत्पर हूं, मैं तुरंत प्रजा के लिए कार्य करना शुरू कर दूंगा, मैं 24 घंटे 24/7 जनता के लिए उपलब्ध हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, छठा। उसके बाद सातवां है, सभी धर्म के लोग सभी जगह निवास करें। अब देखिए कितनी अच्छी बात उसने कही है, सभी धर्म के लोग सभी जगह निवास करें। निवास क्यों करें, मतलब निवास के लिए इसका मतलब क्या है, सभी धर्म के लोग सभी जगह, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो सर्वधर्म संभाव की बात कर रहा है। कहने का मतलब कि अशोक का ये कहना है कि मैं बौद्ध धर्म को मान रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि जो वैदिक धर्म है, जैन धर्म है, अन्य आजीवक धर्म है, अन्य अनीश्वरवादी धर्म है, किसी को भी परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, किसी भी लोगों के बीच रह सकता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर है सातवें शिलालेख में कि सभी धर्म के लोग सभी जगह निवास करें। उसके बाद आठवां है, आठवें में वो क्या कह रहा है, मैंने 10वें वर्ष धम्म यात्रा का प्रारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10वें वर्ष राज्याभिषेक के, ये जो वर्ष दिए जाते हैं ये राज्याभिषेक के वर्ष होते हैं, तो जब अशोक को पढ़ेंगे तो राज्याभिषेक आपको बता देंगे। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने क्या किया, धम्म यात्रा का प्रारंभ किया, और 14वें वर्ष उसने क्या किया था, धम्म महामात्र की नियुक्ति करी। तो धम्म यात्रा का प्रारंभ किया, स्वयं करता था, फिर उसको लगा कि हम किसी को नियुक्त कर दें, तो 14वें वर्ष उसने धम्म महामात्र को नियुक्त कर दिया। तो ये आठ आपके लिए हो गए। नेक्स्ट नौवां है, नौवें में वो क्या कह रहा है, धम्म रूपी मंगलाचार जरूरी है। कितनी अच्छी बात उसने कही कि धम्म एक मंगलाचारी है, मंगल आचार यानी कि अच्छे अच्छे कार्यों का इसमें समावेश है, अच्छे अच्छे विचारों का समावेश है, तो धम्म रूपी मंगलाचार जरूरी है। अगर आपसे पूछे कि अशोक ने मंगलाचारी की चर्चा किसमें करी है, तो आपका आंसर होगा नौवां शिलालेख, उसमें चर्चा उसने करी है। उसके बाद दसवें में उसने क्या कहा है, धम्म पालन पर जोर दिया है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ग्यारहवें में क्या है, ग्यारहवां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, धम्म जैसा कोई दान नहीं है, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं है, धम्म जैसा कोई मित्र नहीं है। तो उसने धम्म को अन्य से कंपेयर किया है। तो ये ग्यारहवां शिलालेख आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ग्यारहवां लेख। बारहवें में उसने क्या कहा है कि सभी संप्रदायों की सार वृद्धि हो। तो यूपीएससी जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बना था ना, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, सभी संप्रदायों की सार वृद्धि हो, और यहां उसने लिखा है सभी धर्म के लोग सभी जगह निवास करें। तो सर्वधर्म संभाव से संबंधित अशोक के अभिलेखों को चुनिए, तो कौन सा हो जाएगा, सातवां हो जाएगा और बारहवां हो जाएगा। बात समझ में आई, तो इस ढंग से विचारात्मक रहिए। तो बारहवें में वो क्या कह रहा है, सभी संप्रदायों की सार वृद्धि हो, सब एक साथ वृद्धि करें। उसके बाद तेरहवें में वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कलिंग विजय का वर्णन। तेरहवां तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2013 या 14 पीसीएस में पूछा भी गया है। तो तेरहवां शिलालेख में क्या है, कलिंग विजय का वर्णन है, चोल चेर पांड का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, और यवन राज्यों का उल्लेख किया गया है। यह आपसे पूछा गया है 2014 प्री में, शायद 13 या 14 प्री में, मैं बोलता हूं देखा करिए, मिलेगा क्वेश्चन आपको। उसमें उसने क्या पूछा है कमीशन ने कि एक तरफ नाम लिख दिए थे और दूसरी तरफ राजा लिख दिए थे, तो उनको मिलाना था। तो देखिए तुरमाय, तुरमाय लिखा हुआ है अभिलेख में, और तुरमाय आज क्या है, मिस्र। वहां का राजा कौन था, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, कहां का है, तुरमाय। तुरमाय आज क्या है, मिस्र। दूसरा कौन है, अंतेकिन। अंतेकिन का मतलब मकदूनिया, और मकदूनिया का राजा कौन है, एंटीगोनस। ये नोट कर लीजिएगा, मैचिंग के लिए क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, ठीक है। मक नेक्स्ट है, मक, मक साइरीन का क्षेत्र है, और वहां का राजा कौन है, मैगास। ये सब राजा हैं। राजा को मैं सर्किल कर देता हूं, मैंने किसको सर्किल कर दिया है, मैंने राजाओं को सर्किल कर दिया है। तो तुरमाय मिस्र का राजा है टॉलमी सेकंड, अंतेकिन का मकदूनिया का राजा है एंटीगोनस, मक साइरीन का राजा है मैगास, अलेक्जेंडर या एपिरस का राजा है अलेक्जेंडर। ये पोर्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछ रहा है, वही मैं कह रहा था आपसे, ठीक है। तो 13 हो गए, एक अभिलेख याद रखिएगा, 14वां भी है, 14वां लेख भी है। तो ये जो 14वां लेख है, ये हो सकता है कि उस समय जो लिख रहा था उसकी कोई गलती रही हो, या मान लीजिए कि बहुत समय बाद हम लोगों को मिला, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस हमें दिखाई देता है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा जानकारियां उपलब्ध नहीं। तो 14वां, तो कितने हमने कहे थे यहाँ पर, 14, स्थान कितने हैं, 8, क्लियर। अब आ जाइए कि जो यहां पर आप देख रहे हैं धौली और जौगड़, ठीक है, इसको इन ब्रैकेट कर लीजिएगा। अब समझिए, छोटी सी चीज है, समझ लीजिए कि ये जो धौली जौगड़ हैं, धौली जौगड़ में 10वां 11वां 12वां सॉरी 11 12 13 कौन सा, मैं स्टार बना देता हूं, 11 12 और 13 ये लेख नहीं लिखे, किसमें, धौली और जौगड़ में। धौली और जौगड़ में ये सब तो लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन 11वें 12वां और 13वां लेख उसमें नहीं लिखा है, किसमें, धौली और जौगड़ में। उसके स्थान पर क्या लिखा हुआ है, तो उसके स्थान पर जो लिखा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, पृथक शिलालेख। पृथक, पृथक का मतलब इनसे पृथक हो गया ना, क्योंकि इन, ये नहीं लिखा है, इनसे अलग चीज लिखी हुई है, तो क्या हो गया, पृथक शिलालेख। तो प्रथम पृथक शिलालेख और द्वितीय पृथक शिलालेख। तो प्रथम पृथक शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, सभी मनुष्य मेरी संतान है, दसियों बार परीक्षा में आ चुका है कि प्रथम पृथक शिलालेख में क्या लिखा हुआ है,
सभी मनुष्य मेरी संतान है। पेपर उठा के देखिएगा 13, 14, 15 में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो प्रथम प्रत्यक्ष शिलालेख में लिखा है सभी मनुष्य मेरी संतान है, और द्वितीय प्रत्यक्ष शिलालेख में क्या लिखा है, जनजातियों को निर्देश दिया है कि वे मुझसे डरे नहीं। अगर कोई ऐसी जनजातियां हैं जो मौर्य नियंत्रण में नहीं है तो वो इस बात को लेकर ना डरें कि कोई उन पर अटैक करने आएगा, वो शांति पूर्वक रहें और जैसा मैं कहता हूं वैसा पालन करने का प्रयास करें। तो कहने का आशय कि दो पृथक शिलालेख हम लोगों को मिलते हैं, समझ में आ गया। तो ये अशोक के दीर्घ शिलालेखों का विवरण है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके अलावा जानने की जरूरत नहीं है, एक बार तो कायदे से जानना पड़ेगा। तो 2012 से 16 तक के पेपर आप सॉल्व करेंगे, इस एरिया से आपको क्वेश्चन वहां दिखाई देगा। इसका मतलब आयोग इस एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, बना रहा है, यही तो प्रिलिम निकालने की ट्रिक होती है, ठीक है। उसके बाद लघु शिलालेख है, ये वाला लघु शिलालेख, ठीक है, 18 स्थानों से प्राप्त है, उसमें आप सभी स्थान रटने की जरूरत नहीं है। लघु शिलालेखों में इंपॉर्टेंट बात कौन सी निकल के आ रही है उसको जान लीजिए, वो क्या है, उसको ऐसे जानिए कि एक शिलालेख लघु शिलालेख मास्की है। तो मास्की लघु शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया है, बुद्ध शाक्य। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मास्की में अशोक को क्या कहा गया है, बुद्ध शाक्य, ठीक है। दूसरा है भाब्रू बैराट, भाब्रू या बैराट। तो भाब्रू बैराट जो है उसमें त्रिरत्न का उल्लेख किया है अशोक ने, अच्छी बात है, बुद्ध धम्म और संघ की बात अशोक करता है, ठीक है। उसके बाद नेटूर उडेगोलन में अशोक का नाम, अशोक का नाम अशोक मिलता है किसमें, नेटूर और उडेगोलन में। उसके बाद गुर्जरा में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो चार लघु शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो मैं सब में ए लिख दे रहा हूं, ए फॉर अशोक। तो मास्की, नेटूर, उदयगोलन और गुर्जरा, ये चार हैं जिसमें अशोक का अशोक नाम मिलता है, बाकी सभी में किसी में देवा नाम प्रिय, किसी में प्रियदर्शी, तो इस प्रकार के नाम देखने को मिलते हैं। तो अशोक का अशोक नाम चार में लिखा हुआ है, मास्की, नेटूर, उदयगोलन और गुर्जरा, ठीक है। एक लघु शिलालेख है एरुगुडी से प्राप्त है, इसकी विशेषता क्या है कि ये बूस्त्रोफेदन लिपि जो हम लोगों ने हड़प्पा काल में पढ़ी है। अच्छा यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दें कि देखिए शुरुआती वीडियो मैंने बोला भी था आपसे कि आवाज़ की उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, तो अगर जो नए हैं देख रहे हैं तो 600 BC से आप वीडियो देखना स्टार्ट करिए, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा और वैदिक का वीडियो फिर से डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब आवाज की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो एरागुडी जो लघु शिलालेख है उसमें बूस्त्रोफेदन लिपि का मतलब हमने क्या बताया था हड़प्पा काल में, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस ढंग से लिखी जाती है। तो एरागुडी लघु शिलालेख भी कुछ इसी ढंग से लिखा गया है, इसीलिए बूस्त्रोफेदन लिपि टाइप का अभिलेख है, कौन सा, एरागुडी लघु शिलालेख। तो ये जानकारियां आपके लिए थी शिलालेखों की, दीर्घ और लघु। अगले वीडियो में हम लोग स्तंभ लेख और गुहा लेख इनके बारे में चर्चा कर लेंगे, कंटिन्यू रहिए। एक एक ईयर और एक एक घटना आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, तो तसल्ली से सुनिए, समझिए और नोट करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, जय हिंद।